हमने ना कोई कंपनी को रिन्यूअल फीस देनी है, ना इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, ना इसमें इनकम की कोई लिमिट है, ना इसमें टाइम की कोई लिमिट है, और ना ही इसमें कोई बाउंड्री है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. इज दैट क्लियर? बिल्कुल. अब मेन मसला यह है कि ये हम कमाएंगे कैसे. सही आ जाए मुद्दे पर. जिस प्लान को हम करेंगे वो है 3x3. ये 3x3 क्या है? सपोज आप इस बिजनेस में आए, कंपनी पहले दिन आपको एक चीज क्लियर कर देती है कि इस बिजनेस में भले से आप $1 कमाएं या $1 बिलियन कमाएं, आपके पास टोटल दो जगहें हैं काम करने की, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड. इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है जहां आप काम कर सकते हैं. या आप अपने राइट साइड पे काम कर सकते हैं या अपने लेफ्ट साइड पे, इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकते. जब आप बिजनेस में आए तो आपने अपने दो दोस्तों को इस बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन करवाया, मिस्टर ए और मिस्टर बी को. मिस्टर ए की भी आपकी तरह ही राइट साइड और लेफ्ट साइड है, इनकी भी राइट साइड और लेफ्ट साइड है. ए ने अपने दो दोस्तों को इस बिजनेस में, एक को राइट पे और एक को लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करवाया, और बी ने अपने दो दोस्तों को एक को राइट पे और एक को लेफ्ट पे ज्वाइन करवाया. अगर ये आप हैं, इस वक्त आपके राइट साइड पे कितने दोस्त हैं और लेफ्ट साइड पे? 3 दोस्त राइट पे, 3 लेफ्ट पे. आपको $30 मिलते हैं. खुदा के वास्ते अपने मोबाइल फोनों को बंद कर दीजिए, या जो बंद नहीं कर सकता बाहर चला जाए. थैंक यू वेरी मच. माइंड मत कीजिएगा, ये चीज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती है. एम आई क्लियर? थैंक यू. 3 लोग लेफ्ट पे और 3 लोग राइट पे, कंपनी आपको $30 देती है. ये वो स्टेप मैंने आपको बताया है, चाहे आप $1 कमाएं या $1 बिलियन, आप सारी जिंदगी इसी स्टेप को फॉलो करेंगे. इसके अलावा कंपनी में पैसे कमाने का आपके लिए कोई दूसरा चोर रास्ता नहीं है. ये आप आए, आपके राइट साइड पे 3 दोस्त हो गए, आपके लेफ्ट साइड पे 3 दुश्मन हो गए, आपको $30 मिलेंगे. दुश्मन मैंने इसलिए कहा कि ये जरूरी नहीं है कंपनी एक चीज को, और इस कंपनी में आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है. ये आप आए, जाहिर है कि अपने पैसे आपने $60 दिए और आप बिजनेस में आ गए. इसके बाद ये 3 लोग लेफ्ट साइड और ये 3 लोग राइट साइड पे आप लेके आए हैं, मैं लेके आया हूं, भाई साहब लेके आए हैं, आशमी साहब लेके आए, कंपनी को कोई मतलब नहीं. रिगार्डलेस के कौन इसको साइन अप कर रहा है, ये लोग किसके रेफरेंस से आ रहे हैं, कंपनी आपको 3 पीपल लेफ्ट 3 पीपल राइट पे $30 देती है. और इसी रेशियो से, इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको पेमेंट्स आती रहती है. इज दिस क्लियर? अब आप जब बिजनेस में आए तो जाहिर है कि आपको पता है कि आप काम करने के लिए आए. ये आप आ गए, आपकी दो साइड से, राइट साइड और लेफ्ट साइड. कंपनी का स्लोगन है टुगेदर वी ग्रो. कंपनी कहती है टुगेदर वी ग्रो. सपोज हमारा जिस फॉर्मूले पे या जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं वो 3x3 का है, 3 लोग राइट पे 3 लोग लेफ्ट पे. अगर आपको कंपनी कहती है, क्योंकि कंपनी इस चीज को रियलाइज करती है कि आप एज ए बिगनर जब इस बिजनेस में आएंगी तो 3 लोगों को राइट और 3 लोगों को लेफ्ट मिलाना आपके लिए, बल्कि किसी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. कंपनी इस चीज को आपके लिए इजी कर देती है कि आप जब बिजनेस में आती है तो बजाय इसके कि आप 3 लोगों को राइट और 3 लोगों को लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस कराएं और अपने कमीशन का इंतजार करें, आप 1 आदमी को राइट पे और 1 को लेफ्ट पे इंट्रोड्यूस कराएं और कंपनी आपको कमीशन दे दे. आपको कैसा लगेगा? इजी लगेगा, राइट? जब आप बिजनेस में आए तो आपने 2 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया, ए को और बी को. आपके राइट पे इस वक्त कितने लोग हैं और लेफ्ट पे? 1. 3 लेफ्ट और 3 राइट पे जब आपने करने थे तो आपको मिलना था $30. अब 1 राइट और 1 लेफ्ट करने पे आपको कितना मिलना चाहिए? $10.
एक आपके राइट पे एक आपके लेफ्ट पे कंपनी आपको $10 का कमीशन दे देती है, ठीक है? सबको थ्रेडी नजर आ रहा है, बोल तीन लोग रहे हैं थ्रेडी लिखा है। एक राइट और एक लेफ्ट करने पे कंपनी आपको $30 का वो पूरा कमीशन जो आपको तीन राइट और तीन लेफ्ट होने पे मिलना था दे देती है, और कंपनी आपको कहती है ये आपका GMS है, जिसका मतलब है गोल्ड मोटिवेशन स्टेप। ये स्टेप आपको अपनी बिजनेस लाइफ में इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए सिर्फ एक दफा मिलता है। जब मैंने आपको थ्री राइट और थ्री लेफ्ट करके दिखाया था तो मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया था कि जब आप बिजनेस में आए तो ये तीन लोग आप लेके आए हैं, मैं लेके आया हूं, जब कोई लेके आया है कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं, और लेफ्ट पे तीन लोग कौन लाया कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं, आपको थ्री बाई थ्री पे $30 मिलेंगे, क्लियर? लेकिन वन बाय वन पे अगर आपको GMS गोल्ड मोटिवेशन स्टेप चाहिए है, यानी थ्री बाई थ्री तक आपने इंतजार नहीं करना, तो इस स्टेप के लिए या कम अज कम एक या इन दोनों को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Is this clear? अब आपको वन बाय वन पे $30 मिल गया। ए और बी बिजनेस में जाहिर है कि मेरी और आपकी मोहब्बत में आ गए कि हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं? किस लिए आए? काम करने के लिए आए। ए अपने राइट और लेफ्ट पे एक एक दोस्त को और बी अपने राइट और लेफ्ट पे एक एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस वक्त ए के राइट पे एक और लेफ्ट पे एक आदमी है, तो ए को वन बाय वन पे $30 जैसे आपको मिले थे, और बी को वन बाय वन पे $30 जैसे आपको मिले थे मिल जाएंगे, क्लियर? आपको ए और बी की इनकम आ चुकी है। इस वक्त आपके अनपेड लोग जिनका आपको अभी तक इनकम नहीं आई, राइट पे कितने हैं और लेफ्ट पे, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये तीन तीन हो जाए। सपोज ये दोस्त अपने लेफ्ट साइड पे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आपकी कौन सी साइड है? राइट। ये साहब अपने राइट पे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट। अब आपके राइट पे अनपेड लोग कितने हो गए और लेफ्ट पे भी तीन हो गए, आपको स्ट्रेट अवे सेकेंड स्टेप कमीशन का मिल जाएगा क्योंकि आपका तीन और तीन कंप्लीट हो गया। ये दोस्त अपने एक दोस्त को लेके आए, ये दोस्त अपने एक दोस्त को लेके आए, ये दोस्त अपने एक दोस्त को लेके आए, तीन लोग राइट पे आ गए, एक दोस्त को ये लेके आए और दो दोस्तों को ये लेके आए, तीन लोग लेफ्ट पे भी आ गए, अनदर थ्री थ्री $30। दो दोस्तों को ये लेके आए, एक दोस्त को ये लेके आए, एक दोस्त को ये लेके आए, दो दोस्तों को अनदर थ्री एंड थ्री $30। Is this clear? आपको नेट पे बिल्कुल ट्री इसी तरह नजर आएगा जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? लेकिन इसके अलावा एक काउंटर भी चल रहा होगा